जतन है भी तहस तहस हो जाएंगी। चरणों के सीने पर वार होगा। प्रतियोगिता का दूसरा राउंड। दिल भांग के बैठिए, कल तो बस शुरुआत थी, आज होने वाला है असली रोमांचक प्रदर्शन। पांच मुसीबत में नार। मतलब आग, पानी, लोहा, मिट्टी और लकड़ी, पांच चीजों से बना हुआ खतरों का अंबार। जो भी खतरों को पार कर झंडा लेकर आएगा वही इस राउंड का विजेता होगा। अच्छा हुआ मैं पहले ही राउंड में हार गया। ड्रैगन प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू किया जाए। पहला योद्धा मीनार पर कदम रख चुका है। जरूर
कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। भी। हाँ? फिर से ये पंख और निशान? और ये निशान जंगल की ओर जा रहे हैं। अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? दोस्तों तुम यहीं रुको, मैं जाकर हिम पक्षी को छुड़ा लाता हूँ। भीम, भीम। कितना सुंदर है। कालिया, तुमने उसे डरा दिया। चलो उसे पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। Huh?
हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। कितना मासूम है ये। दादी, दादी, बचाओ! अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें डेथ क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। पर आए हैं। छोड़ दो इन्हें। ये लो लड्डू। इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं चखा। माफ करना, हमें लगा आप भी दैत्य की सेना से हो। कैसी दैत्य सेना? ये आलसी दैत्य पूरा साल आराम करते हैं और हम पूरा साल मेहनत करके तरबूज उगाते हैं। ये दैत्य त्योहार के वक्त आकर सारी की सारी फसल लूट कर ले जाते हैं। उनमें से जो कोई भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है उसे वो बंदी बना लेते हैं। पिछले साल हमारे दो साथियों को ऐसे ही बंदी बना लिया। इसीलिए हमें हर साल भुखमरी का सामना करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, इस बार आपकी और फसल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, हमारा भीम उन्हें नानी याद दिला देगा। डरने की जरूरत नहीं है। ए, तुम कौन हो? यहाँ नए दिखते हो? मैं ढोलकपुर का रहने वाला भीम। ये हमारा आपस का मामला है। जगमगपुर पर हमला करना हमारी परंपरा रही है, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाएंगे। इसमें उपकार कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। दोस्तों, आप जब चाहो हमारे यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम जगमगपुर की दुनिया की सैर कराओगे। और स्वादिष्ट फल पकवानों की दावत खिलाओगे। उस्ताद, आपकी दावत के चक्कर में कहीं उनका उपवास ना हो जाए। ढोलकपुर का रास्ता पता है? पीछे है। चलो चलो, ये हमें सही से ढोलकपुर तक पहुंचा देंगे। अरे ये लोग हमें कहाँ ले आए? हुबा, हुबा, ओहो, चलो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
परेशान क्यों हो? अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। आज पूर्णिमा की रात वो उस लड़के की बलि देने वाले हैं। इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। हमें कालिया को जल्द ही बचाना होगा। तो तुम्हारा खास मेहमान हूँ, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? भीम बचाओ! से बढ़ती है। चलो टकू, लेट जाओ। फ्रीज नापते हैं। ये फ्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं। सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? ये देख के तो लगता है यह जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे, मेरे बाल पंख बन गए। चोंच भी। नील कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है, काव काव राजा। मेरा पोषण तो तैयार है, पर मेरा जादुई पंख कहाँ चला गया? अरे, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? नीचे उतार। मेरे जादुई पंख का तुमने किया क्या? चुपकी, अब मैं तुम लोगों को आजाद। हो गए मेरे नए कठपुतली भीम कौवे, अपने दोस्तों से जरा जल्दी निपटो। लड्डू की वजह से मुझे सब याद आ गया। अब बुरी परी को तो फिर से सबक सिखाना पड़ेगा।
का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम। बच्चों अपनी किस्मत आजमाओ। ये खेल बहुत आसान है, बस तुम्हें इस सिक्के को ढूंढ के निकालना है। और अगर हम जीत गए तो जीतने वाले को मिलेगा दुनिया के सबसे अच्छे अम्यूजमेंट पार्क हवा हवाई के फ्री टिकट्स। और हारने वाले के पीछे लगेगी 9 साल की बदकिस्मती, मतलब बैड लक। किस्मत से ज्यादा हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों रुको, मैं खेलता हूँ। खेल शुरू कीजिए। बताओ लड़के, कौन से कप के नीचे है सिक्का? ये इस बीच वाले में। गलत जवाब। अब खेल के नियम के अनुसार भीम के पीछे लगेगी 9 साल की बदकिस्मती, मतलब बैड लक। भीम, मुझे लगता है बुरी परी की बात सच हो गई है। हाँ? अच्छा तो ये बात है। हाँ अच्छी परी, बस आप कैसे भी करके मुझे इस बैड लक से छुट्टी दिलवाइए। नहीं है भीम। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। लगता तो है।
आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशम, इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों? तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। लड्डू का आशा